हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब फैमिली में। आज विश्व साइकिल डे है, 3 जून 2022 है और आज विश्व साइकिल डे सभी तरफ मनाया जा रहा है। साइकिल डे का जश्न मनाया जा रहा है, साइकिल चलाकर कहीं रैलियां निकल रही है, कहीं कंपटीशन हो रही है साइकिल की। साइकिल डे पर बड़े बड़े सितारे जश्न मना रहे हैं इस विश्व साइकिल डे पर। एक ऐसी ही कहानी है इंग्लैंड के एक होनहार खिलाड़ी की जो साइकिलबाज रहे हैं। एक इंग्लैंड के साइकिलबाज, एक ऐसे खिलाड़ी जो साइकिल से निकले थे दुनिया नापने और जानवरों का भी सामना किया, जंगलों से निकले और 74 साल में इनका निधन भी हुआ था, लेकिन साइकिल से ये दुनिया नापने निकल गए थे। कौन है ऐसे ये खिलाड़ी, इंग्लैंड का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो साइकिल से दुनिया नापने निकले थे और जानवरों का भी सामना किया, जंगलों से गए, कहां कहां से इन्होंने साइकिल से अपनी लड़ाई पूरी की। दुनिया नापने की जो लड़ाई है वो साइकिल से इन्होंने पूरी की, साइकिल से इन्होंने घूमना शुरू किया। कैसे इनका रहा साइकिल से सफ़र, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। पूरा वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो देखिए इस रिपोर्ट को और कैसा लगता है तो कमेंट पर करके ज़रूर बताइएगा। वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022, दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलबाज जो था अल्बेला। पोस्टेड बाय स्पोर्ट्स क्लब। इयान हाइबेल हम में से शायद ही कोई जानता होगा, कम ही लोग उनके बारे में जानते होंगे। वो नए जमाने के जग यात्री थे जिनकी 74 साल की उम्र में तब मौत हो गई जब वह फिर साइकिल से दुनिया नापने के लिए निकले थे। इंग्लैंड के इस साइकिलिस्ट का सफर वर्ष 1963 में शुरू हुआ। बंधी बंधाए और एक ही धर्रे पर चलने वाली जिंदगी से वह उकता चुके थे। रोज वही घर से ऑफिस की दूरी नापना, फिर रात तक वापस उसी घर में लौट आना। जब बेचैनी बढ़ी तो साइकिल से निकल पड़े। बेचैनी जब खासी बढ़ गई तो उन्होंने ऑफिस से 2 साल की छुट्टी ली, निकल पड़े साइकिल से दुनिया को नापने। पूरी दुनिया नापी भी। वो सुदूर अफ्रीकी के खतरनाक जानवरों वाले घने जंगलों से गुजरे तो रेगिस्तान की रेत पर धंसती हुई साइकिल को किनारे तक पहुंचाया। कभी भूखे रहे तो कभी लुटेरों का सामना किया। नदी, नाले, पहाड़, दलदल से होकर निकले तो सुनसान इलाकों में डाकू और लुटेरों का भी सामना किया। खूंखार कबीलों से निकली उनकी साइकिल, जेब में फूटी कौड़ी नहीं लेकिन कल की चिंता भी नहीं। कभी भूखे रहे, कभी रूखा सूखा मिला तो कभी अनजान अतिथियों ने व्यंजनों के ढेर लगा दिए। इयान हाइबेल आमतौर पर जब साइकिल यात्राओं पर निकलते थे तो उनकी जेब में पैसे नहीं होते थे। उन्हें कभी भूखा सोना पड़ता था तो कभी रुख सूखा खाना पड़ता था, लेकिन कभी व्यंजनों से भी उनका स्वागत होता था। 10 साल बाद घर लौटे और फिर निकल पड़े। पहली बार वह 10 साल बाद घर लौटे, फिर निकल पड़े दुनिया की सैर करने। एक दो बार नहीं, 10 से ज्यादा बार वह ऐसा कर चुके थे। पिछले 40 साल से वह ऐसा ही कर रहे थे। हर साल उनकी साइकिल करीब 6000 मील का सफर तय करती। पंछी बनू उड़ के चलूं मस्त गगन में, हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ एक गाना है पंछी बनू उड़ के चलूं मस्त गगन में। हाइबेल ऐसे ही पंछी थे जो अपनी तरह से उड़ते हुए दुनिया का चप्पा चप्पा नापते रहे, लेकिन उनके उत्साह ने कभी कम होने का नाम नहीं लिया, बल्कि उनकी हर यात्रा उन्हें अगली यात्रा के लिए प्रेरित और उत्साहित करती थी। हर यात्रा बढ़ाती थी अगली यात्रा का रोमांच, हर यात्रा के साथ अगली यात्रा को लेकर उनका रोमांच उतना ही बढ़ता जाता था। ऐसा नहीं कि वो यात्राओं में मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना नहीं करते थे, लेकिन इन सब बातों से उनका हौसला कभी नहीं डिगा। यकीन मानिए कि अगर सड़क पर तेजी से भागती कार ने 23 अगस्त 2008 को उनके जीवन का अंत नहीं किया होता तो वो अब भी दुनिया का चक्कर लगा रहे होते। पहली बार जब वो साइकिल से यात्रा पर निकले तो 10 साल बाद घर लौटे और फिर कुछ दिनों बाद फिर अगली यात्रा पर निकल पड़े। हर काम में चाहिए उत्साह। हाइबेल के बारे में जानने के बाद बेशक ये कहा जा सकता है कि दुनिया में कोई भी काम बिना उत्साह या आनंद के नहीं हो सकता।
हाईवेल ने तो जो कुछ किया उसके लिए तो जबरदस्त जीवट और दृष्टि शक्ति की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर आप कोई काम रोज करते हैं बिना किसी उत्साह के, महज ड्यूटी समझकर, तो ऐसे काम का क्या मतलब? ये तो आप में न केवल ऊब पैदा करेगा बल्कि आपको मशीन में तब्दील कर देगा। आखिर मशीन भी तो वही करती है अपना काम लगातार। आप वो करिए जिसमें आप उत्साह महसूस करते हैं, फिर देखिए आपके उसी काम की उत्पादकता क्या होती है। ऐसा करते हुए उस यान हाईवेल के बारे में भी सोचिए जो 70 साल की उम्र में भी अपने तरीके से दुनिया के अन्वेषण में लगे रहे, ढेरों किताबें लिखी और दुनिया को बहुत कुछ ऐसा दे गए जो इससे पहले सोचा तक नहीं गया था। हाईवेल के बारे में जानने के बाद बेशक ये कहा जा सकता है कि दुनिया में कोई भी काम बिना उत्साह या आनंद के नहीं हो सकता। कई यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते थे। यान हाईवेल ने साइकिलिंग में कई ऐसे काम किए जो उनसे पहले कोई नहीं कर सका था। वो इंग्लैंड की सरे काउंटी के एप्सम जिले में हुआ। उन्होंने जितनी यात्राएं की उस पर किताबें लिखी, अलग अलग कल्चर पर बात की। अमेरिका से लेकर ग्रेट ब्रिटेन तक तमाम यूनिवर्सिटी में अपनी यात्राओं और इससे जुड़े तमाम पक्षों पर लेक्चर दिए। कैसे शुरू हुआ ये सब? अपनी साइकिल की कुछ चीजें उन्होंने खुद डिजाइन की, जैसे साइकिल के अगले हिस्से को किन उपकरणों से लैस किया जा सकता है और बगल में कैसे बैगेज रैक बनाकर सामना रखा जा सकता है। दरअसल इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि जब उनके परिवार को सप्ताहांत पर समुद्र के किनारे जाना होता था तो सारा परिवार एक साथ ट्रेन का खर्च बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहता था, तब वो और उनके पिता साइकिल से वहां जाया करते थे। पाप की बेंच पर